Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. Hi guys, नमस्कार, मैं हूँ आरजे उर्मिन एंड वेलकम टू अनप्लग्ड। आज हमारे साथ दो बहुत ही प्यारे कलाकार हैं एंड बिफोर आई इंट्रोड्यूस देम, पहले तो मैं बता दूं कि यार एक ऐसा गाना है दैट हैज बीन जस्ट ऑन टॉप ऑफ एवरीबडीज माइंड, और वो गाना इसीलिए इतना फेमस है क्योंकि इट हैज रीच द टॉप सो क्विक दैट इसकी पागलपंती जो है अब एक हिंदी वर्जन में आने वाली है, 52 गज का दामन। और इसमें हमारे साथ है द ओरिजिनल सिंगर, सबसे पहले रेणुका पवार, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, और मेरी तरफ से राम राम सभी को। आय होय, राम राम, आपको भी राम राम। एंड इनका साथ निभाने के लिए, मतलब गाना ऑलरेडी मैडनेस के लेवल पर था ही, अब इस पर एक मैडनेस वाली सिंगर जो ऐड हो जाती है, ये असीस कौर जो है, जो पिछले दो दिनों से सोई नहीं है बिकॉज शी इज दैट एक्साइटेड। हाउ आर यू डूइंग असीस? वो बस ऐसे है। Yes, मेरा ये हाल है। I'm sleep deprived. I am like यार please, अब बस अब दो बजने चाहिए, अब गाना आ जाना चाहिए। मतलब अगर असीस की खुद एक पॉलिटिकल पार्टी होती तो उसका चिन्ह होता। Nice यार, nice idea actually. पहले तो रेणुका आपसे शुरू करते हैं, आपकी जर्नी बहुत स्पेशल रही है और आप एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करती है जहां पर आपको बहुत रोका गया था जब आप म्यूजिक में इंटरेस्ट रख रही थी। लॉट ऑफ पीपल सेड दैट नहीं, ये कोई एक प्रोफेशन नहीं है। वहां से लेकर अब ऐसे एक मुकाम पर पहुंचना है जहां पर द फास्टेस्ट ग्रोइंग सॉन्ग की आप सिंगर रही है, कैसा लगता है? जैसे आपने बताया कि पहले इस चीज को मतलब कुछ मानते ही नहीं थे, सब ये बोलते थे कि अपनी लड़की को पढ़ाओ लिखाओ, कुछ बनाओ, टीचर बनाओ या कुछ बड़ा बनाओ, ये गाने बजाने में कुछ नहीं रखा, और ये भी बोलते थे कि हम भी देख लेंगे कि कहां तक जाएगी। तो दिखा दिया। इस चक्कर में फिर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हुई थी भाई को, जो मेरे बड़े भाई हैं, क्योंकि वही मुझे इस लाइन में आगे लेके गए। तो क्योंकि मैं छोटी हूँ सबसे, तो मुझे कुछ पता नहीं है कहाँ क्या आना जाना है। फिर बड़े भैया मुझे लेके गए विक्की पवार, तो उनकी जॉब भी चली गई थी क्योंकि जॉब वालों ने बोला था कि आप रोज रोज छुट्टियां करते हो, और ऐसी तो बहुत लड़कियां हैं जो ऐसे गाती फिरती हैं, और पहले आप अपनी बहन को स्टार बना लो तब आना ऑफिस में। उस दिन के बाद फिर भैया ने जॉब नहीं की। अब भैया कहते हैं हाँ भाई, लिए स्टार। अब बोलो, मैं और मेरा भाई कुछ ऐसा काम कर देंगे कि जॉब की जरूरत ही ना। अमेजिंग यार, व्हाट अ स्टोरी, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी। तो अब आता है ये गाना, और ये गाना ऑलरेडी इतना धमाकेदार है। असीस, टेल अस, हाउ डज इट फील एसोसिएटिंग विद इट एंड क्रिएटिंग द हिंदी वर्जन ऑफ इट? इट फील्स अमेजिंग एक्चुअली, बिकॉज ओरिजिनल गाना इतना लोगों ने पसंद किया है, लाइक 1 billion views, फास्टेस्ट 1 billion views, इसके बाद कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रहती कि गाने को कितना प्यार मिला है। आई थिंक इट्स अमेजिंगली कम्पोज बाय मुकेश जी एंड अमन जी, तो मतलब वो गाना ऑलरेडी इतना अच्छा रहा है एंड द वीडियो इज अमेजिंग। तो मतलब एक बहुत प्रेशर था कि लाइक हम इतने बड़े गाने को उठा रहे हैं और उसको फिर रिक्रिएट कर रहे हैं हिंदी में, सो वी वर लाइक अगर गाना होगा तो रेणुका के साथ होगा, नहीं तो नहीं होगा। सुपर। और तो फिर आई वाज रियली हैप्पी दैट रेणुका सेड यस फॉर द कोलैबोरेशन, एंड फिर हमने इस पर काम शुरू किया। हमने थोड़ा सा नए अंदाज में से प्रोड्यूस किया है सनी ने, एंड श्लोक हैज रिटन द न्यू लिरिक्स, एंड आई थिंक वी हैव केप्ट द सेम कॉन्सेप्ट, लाइक जो ओरिजिनल गाना है उसमें भी मतलब इसके बारे में बात की गई है कि मतलब वो रेणुका ज्यादा अच्छे से बताएंगी कि लाइक मतलब इसमें बंदिशों में नहीं रहने की जरूरत, लाइक इट्स लाइक ओपनिंग अप, एंड आई थिंक वी हैव टेकन इट फॉरवर्ड इन द हिंदी लैंग्वेज। सो यस, इट्स बीन अ ग्रेट कोलैबोरेशन, एंड बहुत मेहनत की है हमने गाने पर, सिर्फ ऑडियो पर नहीं, वीडियो पर भी। सो वी आर लाइक दिस
दिस शुड बी आवर लाइक पिक्चर थंबनेल होना चाहिए इस वीडियो का. ओके सो मैं अब तक मैं वीडियो नहीं देख पाई हूँ बट आई एम श्योर दैट इज गोइंग टू बी अ रियली अमेजिंग हुक स्टेप. तो मैं चाहूंगी कि आप दोनों मुझे वो हुक स्टेप थोड़ा सा सिखाए ताकि मैं ये गाना प्ले कर सकूँ और हम तीनों डांस कर सके. असीज दी तो रेडी रहती है, रेडी रहती है क्योंकि वो अभी तक भी उसकी रिहर्सल करती है अभी तक भी. जी क्या मुझे कुछ ऐसे नमस्कार वगैरह करना पड़ेगा इससे? हाँ रेडी रेडी ऐसे तो हुक से वो खड़े रह कर. ओह माय गॉड टू मच. हाँ ओके लेट्स डू दिस. वो रेडी हमेशा रेडी रहती है. बावन गज का दामन पैर मटक चलूंगी. सो इट्स वेरी इजी. Oh, I love it. One, three बनाना, and उसके बाद आगे देने हाथ. So it's easy. Superb है ये. I love it. Let's do it. मैं गाना play करूँ. Yeah, okay. Come. Let's do this. Three here. दोस्तों अगर आप घर पर अकेले हैं और आपके यहाँ पर कोई केयरटेकर नहीं आती है तो एक कपड़ा लीजिए और दीवारों पर इस तरीके से इसे पोछिए. हाँ इस तरीके से इसे पोछिए और फिर उसे निचोड़ना है तो ये ऐसे निचोड़िए. Amazing. So, रेणुका मैंने ये सुना है कि आपकी ये दिल से इच्छा है कि आप अरिजीत सिंह और जुबिन नौटियाल के साथ काम करना चाहती हैं. एंड somehow our Asis has had some amazing songs with both these singers. तो रेणुका पहले ये बताएं कि आपका फेवरेट Asis एंड अरिजीत कॉम्बिनेशन में कौन सा गाना है? बोलना. क्या आवाज है? मतलब असीस आपकी आवाज में तो सुना है. यू थिंक वी शुड ट्राई रेणुका's वॉइस विद बोलना. आई थिंक दैट वुड बी अमेजिंग. मजा आ जाएगा. कहां से आप अरिजीत की लाइन गाना चाहेंगे कि मेरी? आपकी. आप अच्छा मेरे तेरे संग हंसना मैं तेरे संग रोना. ओके तेरे संग हंसना मैं तेरे संग रोना तुझ में ही रहना मैं तुझ में ही खोना दिल में छुपा के तुझे दिल नहीं खोलना मर के भी मोहितों से मुँह ना मोड़ना बोलना मैं बोलना. Too cute. Wow. मैं थोड़ी सी याद मतलब रेणुका के म्यूजिकल जर्नी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कोई गाना अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपने उनका सुना है और आपको बहुत पसंद है? आई थिंक रेणुका इज डूइंग रियली वेल. मतलब राइट नाउ वो हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रही है. फीमेल एक ऐसी इकलौती फीमेल वोकलिस्ट हैं जिनके मैं देखती हूँ हर दूसरे दिन एक नया गाना आ रहा होता है. तो आई फील रियली अमेजिंग. आई फील प्राउड ऑफ हर जर्नी एंड आई थिंक. और वो जो भी गाना गा रही है ना यार मतलब वो कमाल करती जा रही है. आई थिंक इसके बाद भी एक और गाना है आपको जो 500 million क्रॉस हो चुका है. तो मतलब शी इज डूइंग रियली वेल. सो आई थिंक और मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पाती हूँ बिकॉज मैं भी हरियाणा से हूँ और वो जैसी सिंपल सी है ना मतलब मैं जब मुंबई आई थी तो मैं बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी ऐसी सी. हाँ मुझे पता है. Yes. Oh God, रेणुका मैं आपको क्या बताऊँ, ये लड़की जब पहली बार मुझे मिली थी तब इतनी शांत, जो सवाल का जवाब देना था धीरे धीरे दे रही थी. मुझे समाओ आप भी ऐसी लग रही है. कुछ महीनों बाद जब मैं मिली फिर से Asis से तो मेरा शो जो है वो इतना हो गया था क्योंकि इतनी बातें तो Asis की थी. स्टार्टिंग से देखा एक्चुअली. सो यू हैव सीन.
But since, you know, Renuka was mentioning about another singer, which is Jubin Nautiyal, Aziz, aapki awaaz mein ho jaye, aankh lad jaave. What a beautiful track this is. जो अख लड़ जावे सारी रात नींद न आवे मैनू बड़ा तड़पावे दिल चैन कहीं ना बावे 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 जो अख लड़ जावे सारी रात नींद न आवे मैनू बड़ा तड़पावे दिल चैन कहीं ना बावे 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 Love it. Ladies, हमने आपके गाने के बारे में बात की, we learned the hook step, लेकिन of course इसका एक live performance अगर आप दोनों की आवाज में मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा, but क्योंकि आप दोनों separate frames में है तो मैं चाहूंगी कि अगर आप break करके गाएं, वरना वो overlapping का problem हो जाएगा. Can we get you guys to sing this beautiful track which is Bawan Gaj Ka Daman? वैसे भी वो मतलब एक लाइन मेरी एक लाइन अच्छी थी कि ऐसे गाने बेस्ट ही हो गया जी. आप शुरू करो रेनुका अपनी लाइन से. आई तोड़ मैं जंजीरें इंडिपेंडेंस मुझको प्यारी दोनों साथ में उड़ लेंगे करके आना तू तैयारी पिंजरों को तोड़ पायले बनवा लूंगी बावन गज का दामन पैर मटक चलूंगी बावन गज का दामन पैर मटक चलूंगी पुट इट टू द हे ये भी है ये है उनको एक एक स्टेप याद है क्योंकि नाउ आई नो घर जाके भी सोते हुए खाते हुए रिहर्सल की है ये किया मैंने पूरा एक हफ्ता आई वाज लाइक मम्मी मैं तो कैसे बात कर रही थी क्या बोल रहे हो अच्छा ठीक है हां जी कर दूंगी Now I know why you haven't slept. Now I know exactly why you haven't slept. Amazing. Amazing बात ये भी है that Aziz, while I'm interviewing you, एक बहुत खूबसूरत गाना है जो अभी अभी out हुआ आया and it's such a romantic track. Again, there is so much of love for Tanish Bakshi and his music. Yes. And जब आप उसमें जुड़ जाती हैं तो बहुत प्यारे गाने निकलते हैं. I'm talking about, of course, राता लंबिया. कुछ बताइए about this track. This happened before COVID and like it's almost 2 years we recorded this song और we were waiting यार क्योंकि बहुत टाइम से ना एक like वे माही के बाद एक ऐसा गाना फिर से we everybody was craving for such a song for a romantic number and और जब ये गाना आया कुछ दिन पहले तो I think वही same प्यार हमें वापस मिला उस मतलब वही जो होता है ना लोगों का मतलब वो excitement और like love film messages it happened again and right now I think it's trending everywhere I was watching like the tags log kar rahe hain ki Spotify yeah. pe ye kar raha hai gana pe itna chal raha hai so I think every streaming site is like giving us great numbers the song has received so much love the video has received so much love so I'm really happy that yes the magic has been created again I'm just blessed कि यार ऐसे ऐसे गाने मुझे मिल जाते हैं कहीं से ऐसे ऐसे घूम फिर के आ जाते हैं तो मर जाओ मैं सुन रही हूँ मैंने सुना तुम मैंने ये देखो बात करते हुए मेरे हाथ भी चलने शुरू हो गए असीज जी हाँ जी मर जाओ सॉन्ग भी बहुत अच्छा है अरे यस सो ऐसा करते पहले राता लंबिया सुनते हैं देन रेणुका की डिमांड पर मरजामा की बात भी हो जाए तो राता लंबिया फर्स्ट चम 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 अंबरा दे तारे कहंदे ने सजना तू ही चन मेरे इस दिल दा मन लेवे सजना तेरे बिना मेरा होवे ना गुजारा छड के ना जावी मैनू तू ही है सहारा काटू कैसे सावरे जिया नहीं जाता सुन बावरे के रात लंबिया लंबिया वे क
कटे तेरे संगिया संगिया वे के राता लंबिया लंबिया वे कटे तेरे संगिया संगिया वे। बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। एंड सिंस रेणुका वाज मेंशनिंग मरजावा, प्लीज टेल अस अबाउट दिस ट्रैक एज वेल। So Marjama is from the movie Bell Bottom, and we are very excited because film is releasing in theaters and hum wapas, you know, we get back to normal life or theater mein jaakar dekhenge, and the trailer it has been amazing, and this is my first like Gur Nazar ke saath maine pehle bhi ek gana kiya hai Pani Di Gal, but this is his first song as a Bollywood composer and a like Bollywood debut hai unka is gaane se, and he has done a wonderful job as a composer and the lyricist of the song, and he's sung it beautifully. Aur isse zyada kya baat karu yaar, bas jama ko sun kar log yehi kehte hain yaar kya ga rahe ho. sach mein aur a track kya ho jaye, ho jaye, let's listen to it. Oh my god, oh my god, oh my god. Okay. there's so many songs and I'm sleep deprived. I'm trying to remember my lyrics. Remember it aise. Okay. Remember it aise. Oh yeah. Nahi yaar, aise sirf bhavan ka jata hai mere ko. Oh my god. I think kuch rehne wali hu. मतलब आई बेचारे मेरे कोरियोग्राफर है जो शशांक, जिन्होंने मुझे कोरियोग्राफ किया बावन गज में, सॉरी मैं मिक्स कर रही हूँ बातें, बट उसको बहुत टाइम लगा यार मेरे दोनों हाथों को सिंक करने में, तो अब ये इतने अच्छे से सिंक हो गए हैं, वो साथ में ही जाते जहाँ जाते हैं, और ना मुझे वो अपने आप को ज्यादा टेंशन नहीं देती। तो पहले आप ऐसे कर रहे थे क्या? अरे मैं पहले पता नहीं क्या क्या कर रही थी। वो बेचारे ने बहुत मेहनत किया, मतलब डिलीवरी पर्सन आ रहा है, ये लीजिए मैडम आपका सामान कहाँ है, दे दो। ऐसे मैं टेबल पर बैठी हूँ तो खाना जैसे इधर पास करना, तो ये बाउल जा रहा है, ये पानी आ रहा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्रेजी यार, क्रेजी। कमिंग बैक टू मरजावा, अंडरस्टैंड व्हेन यू विल वॉच द वीडियो यू विल अंडरस्टैंड द एक्साइटमेंट, व्हाई इज दिस लाइक कमिंग आउट लाइक दिस, वेट फॉर इट। जे मैनू देगा तू मेरा दावादा, मैं दुनिया नू छड़ दांगे, मैं तेरे बिना मर जूंगे, मैं कुछ ऐसा कर जूंगे, जे तू मेरा ना होया मेरे यारा, मैं साथ तेरे नाम पितिया, मैं साथ लेने छड़ दांगी, जे तू मेरा ना होया मेरे यारा। बहुत बढ़िया। ये बताइए कि जब आप किसी शो के लिए तैयारी करते हैं, फिलहाल तो पैंडेमिक की वजह से नहीं हुए हैं शोज, बट व्हेन यू वुड गो अप ऑन स्टेज, तो आपका साउंड चेक कैसा रहता है? व्हाट्स द फर्स्ट, व्हाट्स द लास्ट थिंग यू टेल योरसेल्फ बिफोर यू गेट अप ऑन स्टेज? देखो, फर्स्ट एंड लास्ट थिंग, आई ओनली हैव वन थिंग इन माय माइंड, लाइक, और ये सिर्फ साउंड चेक से शुरू नहीं होता, ये मेरी फ्लाइट से शुरू हो जाता है। मैं उठती हूँ, मेरे को यही होता है यार, शो बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है, एंड एवरीबॉडी इज लाइक वेरी पम्प्ड अप यूजुअली, लाइक माय बैंड इज वेरी एनर्जेटिक एंड लाइक वेरी एंथुजियास्टिक जब भी हम परफॉर्म करने जा रहे होते हैं, सो इट्स ऑल फन फन फन, और जब साउंड चेक हो रहा होता है वी आर वेरी सीरियस, और जैसे शो पे पहुंचते हैं हम जो मतलब हम धमाल करते हैं और मजे कर करके नाच नाच कर कूद के गाते हैं वहां पर, और सबसे फन पार्ट होता है शो खत्म होने के बाद जब हम खाना खाते हैं, उफ वो होता है बेस्ट पार्ट पूरे शो का। जब मेरा गाना हिट हुआ तो कोविड की वजह से सारे शो बंद थे। That's it. अब आप समझ गई हैं कि ये, हाँ, असीस से ये समझ गई हैं कि आप शो पर जाने से पहले ये सोचिए कि इस शो के बाद खाना मिलेगा।
That's the main thing. बहुत बढ़िया guys. Seriously, I had so much fun talking to you all. And ये एक ऐसा गाना है that's going to be on everybody's mind. And of course, thanks to Aziz. इतनी बार मैंने ये step अभी कर लिया. I don't know now. मैं भी अब ऐसे ही रहने वाली हूँ. Just Renuka yeah. यार please कुछ की क्या है. I want a reel. I want a reel from you, Urmin, dancing on the song. ये बर्थडे पर भी हुआ था. आई रिमेम्बर one of your song had come. I wished her on her birthday and she's like, मेरा बर्थडे गिफ्ट तैयार रखना, ये लो मेरा गाना, जाओ स्टोरी पे डाल दो, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे टू मी. That's what she made me do. So you have to do the same. Also, it's black my maybe. But इस गाने में आपको लगेगा नई असीस से आप मिल रहे हैं, मेरा नया रूप देखेंगे आप. So consider it my birthday and a story will be a birthday gift and a reel. रेनू का दिखाई नहीं दे रहा था ना, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम था, हम दोनों को दिखाई नहीं दे रहा था असीस क्या बोल रही थी, कुछ समझ में ही नहीं आया, कुछ सुना ही नहीं हमने. नहीं सुना है. ये देखो मुझे क्यों नहीं सुनेगा. Too cool, guys. Lots of love. See you guys. Bye. Thanks. See you. Bye. Fever.